हेलो दोस्तों, यह है महिंद्रा की स्कॉर्पियो S2। हम इस गाड़ी में फ्यूल पंप की सर्किट टेस्ट करने वाले हैं और फ्यूल पंप सर्किट डायग्नोस करने वाले हैं। पहले ये गाड़ी बंद हो चुकी थी तो हमने इस गाड़ी को ठीक की है और आपको दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स कि ये इसकी फ्यूज और रिले की लोकेशन कहाँ होती है फ्यूल पम्प की। तो ये फ्यूज बॉक्स कवर है, हमने पहले ही रिमूव कर ली और इस कवर को मैं पलट कर दिखाता हूँ। इसके लगे ऊपर डायग्राम को मैं दिखाता हूँ, आप वीडियो को होल्ड करके आप इसके डायग्राम को पढ़ सकते हैं कौन सी फ्यूज और रिले किधर है। हर एक चीज़ की फ्यूज दी गई हुई है। ये ACM की रिले है, मेन रिले, और ये कंडेंसर फैन की रिले है और नीचे फ्यूल पंप की रिले है। तो हम इसकी सर्किट को टेस्ट करने वाले हैं, तो हम इसकी रिले को निकालेंगे पहले बाहर। तो पहले निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ सर्किट टेस्ट करके कि हम किस तरह से इसकी सर्किट को डायग्नोस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो सर्किट टेस्ट करने के लिए हमें इस रिले को रिमूव करना होगा, बाहर निकालना होगा हमें। पहले मैं बाहर निकालता हूं, तो निकल चुकी है। अब हम अपनी जो सर्किट टेस्ट लाइट है उसको बैटरी ग्राउंड के साथ जोड़ते हैं। ये सर्किट टेस्ट लाइट है, इसको हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं और एक बार पावर के साथ जोड़ के मैं देख लेता हूँ ये टेस्ट लाइट ग्लो कर रही है कि नहीं। तो ये ग्लो कर रही है, इसकी कनेक्शन ओके है। तो हम अब टेस्ट करने के लिए रेडी हैं। रिले के 30 नंबर पिन के ऊपर आप देख सकते हैं ये पावर आ रही है और जो 3 पिन बच गई है, 3 पिन, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पावर नहीं है, यहाँ पर भी पावर नहीं है, यहाँ पर पावर हमें मिल रहा है। ये 2 पिनों के ऊपर हमें पावर मिल रही है, मतलब इसका फ्यूज ओके है। ये पावर जो आ रही है ये फ्यूज से आ रही है। वो इसका जो फ्यूज है फ्रेंड्स ओके है, इसलिए ये पावर आ रही है। तो इस रिले के ऊपर मैं दिखाता हूँ, ये 30 नंबर पिन है और इसके सामने 87 नंबर पिन है और इसके लेफ्ट में जो है वो 86 नंबर पिन है। तो 87 नंबर जो पिन है फ्रेंड्स वो डायरेक्ट मोटर को जा रही है और जो 85 नंबर पिन है फ्रेंड्स वो ECM के तरफ से आ रही है। और ECM जब हम इग्निशन को ऑन कर देते हैं तो ECM इस रिले को ऑन होने के लिए ग्राउंड भेज देता है जिससे कि ये रिले ऑन हो जाता है। ये 87 नंबर पिन है, यहाँ पर पावर नहीं आ रही है, इसके ऊपर ग्राउंड आनी चाहिए। मैं अभी टेस्ट लाइट को पावर के ऊपर लगाया हूँ, आप देख सकते हैं ये टेस्ट लाइट जल रही है, मतलब कि ये रिले की जो आउटपुट लाइन है ये मोटर तक की ये ओके, इसलिए ये जल रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि फ्यूल पंप रिले के ऊपर 2 जगह पर पावर मिल रही थी, 30 नंबर पिन और 86 नंबर पिन के ऊपर हमें पावर मिल रही थी। वही मैं दिखाने वाला हूँ कि वो जो पावर वहाँ तक पहुँच रही थी वो कौन सी फ्यूज है, वो उसी फ्यूज की लोकेशन के ऊपर मैं आया हूँ। ये स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक कवर आपको दिखेगी, ये कवर हमने रिमूव की है। ये इसकी टॉप पर्सन है जो हमने सामने की तरफ रखी है और इसमें फर्स्ट लाइन में आप हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसकी लाइन बनी हुई है। इसके नीचे आपको फ्यूल पंप की फ्यूज दिखेगी, यही वो फ्यूज है फ्रेंड्स जो हमारे फ्यूल पंप के रिले के पास 2 जगह पर पावर मिल रही थी, इसी फ्यूज से मिल रही थी। अगर ये फ्यूज ब्लोन हो जाती है तो फिर रिले के ऊपर पावर जानी बंद हो जाएगी जिससे कि हमारी फ्यूल पंप मोटर नहीं चल पाएगी। तो अब मैं दिखाता हूँ वो फ्यूज, वो कौन सी फ्यूज है। तो ये सर्किट टेस्ट लाइट को सबसे पहले हम ग्राउंड कर लेते हैं। ये 10 mm का बोल्ट में इसके साथ जोड़ दिया,
अब आपको दिखाते हैं फ्यूज। तो ये फ्यूज है फ्रेंड्स, ये जो 20 एम्पेयर की जो फ्यूज है येलो कलर की, यही वो फ्यूज है फ्यूल पंप मोटर की। तो ये चाबी ऑन होने पर करंट टाइम मिलेगी हमें, यहाँ पावर हमें चाबी ऑन होने पर मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये टेस्ट लाइट ग्लो कर रही है, यानी फ्यूज के लेफ्ट साइड में हमें पावर मिल रही है और राइट साइड में भी पावर मिल रही है। तो इसका मतलब है कि इस ये फ्यूज ओके है, इसलिए हमें पावर मिल रही है। अगर ये फ्यूज ब्लोन होती तो हमारे पास एक ही जगह पावर मिलती, या तो लेफ्ट में मिलती या तो राइट में मिलती। तो ये दोनों तरफ हमें पावर मिल रही है, मतलब ये फ्यूज ओके है। और ये ओके है भी तो फ्यूल पंप रिले के पास हमें पावर मिल रही थी। तो फ्रेंड्स ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आप वीडियो होल्ड करके भी देख सकते हैं।